नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आंवले से 5 तरह के रोग कैसे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ज़रा सा आंवले के बारे में जान लें कि आंवला हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। आंवला हमारे शरीर में नख से लेकर शिख तक काम करता है, यानी सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक आंवला हमारे लिए उपयोगी है। किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल नख से शिख तक के रोगों को ख़त्म करता है। तो आज मैं आपको 5 रोग बताऊंगी। आंवला एक ऐसी चीज़ है कि अगर चाहे इसको उबालो, चाहे इसको सुखाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो इसका विटामिन सी है वो नष्ट नहीं होता, ना पकाने से ना सुखाने से, किसी भी तरह से नष्ट नहीं होता। और कुछ फल सब्जियां तरकारियां सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सुखा लें या उबाल दें तो उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आंवला ऐसी चीज़ है उसके विटामिन नष्ट नहीं होते। और आंवले में प्रोटीन, कार्बोज, कैल्शियम, विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, आयरन सब कुछ इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए सर्दियों में जब ये आंवला आता है तो हमें भरपूर मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, किसी न किसी रूप में इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। और आजकल तो आंवले को बहुत तरह से लोग बनाते हैं, आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, आंवले की कैंडी बनाते हैं, आंवले का अचार डालते हैं और आंवले का जैम बनाते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में बनाकर इसको रखना चाहिए, पूरे साल भर इसका हमें सेवन करना चाहिए। जिस समय में हमें आंवला नहीं मिलता उस समय में हम आंवले को अचार के, कैंडी के और जैम के रूप में और मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं। और जब आंवला आपको ताज़ा मिलता है, जितने महीनों आपको ये ताज़ा मिलता है, ये करीब 6 महीने तक ताज़ा मिलता है, क्योंकि अक्टूबर माह से आना शुरू हो जाता है और आप मार्च तक आप इसको, अप्रैल तक इसको ले सकते हैं। तो जब तक ताज़ा मिलता है इसको ताज़ा ही यूज़ करना चाहिए। वैसे तो विटामिन मैंने अभी बताया नष्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी ताज़ा यूज़ करने के कुछ अलग ही गुण होते हैं। तो हमें इसे रोज़ाना जब तक मिले तो ताज़े रूप में खाएं, और जब ना मिले तो जो हमने स्टोर कर लिया है उसको, स्टोर करे हुए को तब हम खाएं, जिससे पूरे साल भर हम आंवले का इस्तेमाल करते रहें। तो अब बताती हूँ कि वो कौन से 5 रोग हैं जिसमें हम आंवले का प्रयोग अलग अलग तरीके से करेंगे और अपने रोगों को जड़ से ख़त्म करेंगे। और 1 महीने तक अगर आपने लगातार आंवले का प्रयोग कर लिया तो रोग जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अम्लपित्त की, यानी एसिडिटी की। जब शरीर के अंदर अम्लता अधिक बढ़ जाती है तो उसे एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी में पेट के अंदर भी जलन होती है, छाती में जलन होती है और गले में भी जलन महसूस होती है। तो जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में 1 गिलास आप हल्का गर्म पानी ले लें, यानी नॉर्मल पानी, गर्म नहीं करना है, नॉर्मल लेना है, ताज़ा पानी लेना है, फ्रिज का नहीं लेना है। तो 1 गिलास पानी ले लें और उसमें 20 ml आंवले का रस मिलाएं, 10 ग्राम जीरा पाउडर मिलाएं और 1 चम्मच भर के मिश्री मिलाएं और तीनों को अच्छे से मिक्स करके और घूंट घूंट करके पिएं। और ये काम आपको दोनों समय करना है, सुबह खाली पेट और शाम को ऐसे समय जब थोड़ा पेट खाली रहता है। जब आप दोनों समय 1 महीने तक लगातार ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी जड़ से चली गई है। अब बात करते हैं कब्ज के विषय में। तो कब्ज एक आजकल कॉमन सी बात हो गई है, अधिकतर लोगों को कब्ज की शिकायत रहने लगी है। कब्ज चूँकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गया है। बच्चे रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, देर से उठते हैं, और अधिकतर बड़े लोग भी रात को देर रात तक टीवी देखते हैं और उसके बाद देर से उठते हैं। तो ये रूटीन सभी घरों में अधिकतर बन गया है, लेकिन ये रूटीन हार्मफुल रूटीन है। इसको हमें धीरे धीरे सही करना चाहिए। जैसे हमारे दादा परदादा सुबह 4 बजे उठते थे और रात को 10 बजे तक सो जाते थे, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम सूरज निकलने से पहले तो उठ ही जाएं, क्योंकि जब सूरज की गर्मी सिर पर आ जाती है, जब सूरज निकल जाता है तो पेट के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने से ही कब्ज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो आजकल का खान पान है वो भी बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि गाढ़ा खाना खाते हैं। तो अधिक गाढ़ा भोजन जो करते हैं, गाढ़ी सब्जी खाते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी खाते हैं और मिर्च मसाले अधिक खाते हैं, तो इससे भी कब्ज रहना शुरू हो जाता है और मल पास नहीं होता। और जब मल पास नहीं होता तो गैस सिर में चढ़ती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप रोज़ाना 1 चम्मच आंवला पाउडर सुबह सुबह खाली पेट
एक गिलास गर्म पानी के साथ फंकी ले लें और थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपको मोशन पास होने में आसानी फील हो रही है, मतलब मोशन आने लगा है, मोशन की हाजत होने लगी है। और अगर आप फंकी नहीं ले सकते तो आप एक चम्मच आंवला पाउडर रात को भिगो दें एक गिलास पानी में, और सुबह उसको मसल कर छान कर गर्म करके फिर घूंट घूंट करके पी लें। दोनों का एक ही जैसा फ़ायदा है, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंतों में छाले होने की, यानी आंतों में अल्सर होने की। तो आंतों में अल्सर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी कि लाइफस्टाइल जो है वो हमारा डिस्टर्ब है, तो इसकी वजह से हमारे आंतों में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि पेट में गर्मी हो जाती है, जो हम खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, आंतों में मल पड़ा रहता है। जब आंतों में मल पड़ा रहता है तो सड़न होने लगती है, उसमें गर्मी पैदा हो जाती है, और सड़न होने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, और जिस वजह से आंतों में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि पेट में जलन हो रही हो, आंतों में जलन हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में 20 ml आंवले का रस और 20 ml शहद लेकर मिक्स करके उसको अच्छी तरह से चाटें। जब आप रोज़ाना ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आंतों की गर्मी शांत होना शुरू हो गई है और अल्सर धीरे धीरे समाप्त होने लग गए हैं। अब बात करते हैं गठिया रोग की। गठिया रोग में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण सभी जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग, चुभन फील होती है। तो जब गठिया रोग में आपको दर्द, स्वेलिंग और चुभन फील हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आंवला बहुत ही उम्दा काम करता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 200 ग्राम या 250 ग्राम आंवले का रस निकाल कर और उसको अच्छी तरह से बॉयल करके और ठंडा करके एक शीशी में भर के रख लें, और रोज़ाना आपको इसको यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए 20 ml उसमें से जूस निकालें और उसको अच्छे से गर्म करें, और उसके साथ एक चम्मच 10 ग्राम देसी घी डालें और मिक्स करें, तब उसको पी लें। या 10 ग्राम देसी घी आप मुंह में रखें और जो आपने आंवले का रस गर्म किया है, हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि बॉयल्ड हमने उसको पहले ही करवा दिया था, फिर बॉयल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो हल्का गर्म करें और घी खाने के बाद ऊपर से आंवले के रस को पी लें, क्योंकि अगर आप दोनों को मिलाकर पीते हैं तो जो घी है वो आधा तो उसी बर्तन में लग जाता है जिस बर्तन में आप उसको मिक्स करते हैं। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि 10 ml घी आप गाय का घी ले लें, अगर वो सबसे अच्छा होता है तो 10 ml घी आप ले लें और उसके ऊपर से 20 ml आंवले का रस हल्का सा गर्म करके पिए। जब आप 15-20 दिन तक लगातार ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे जोड़ों में होने वाले दर्द आपके धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गए हैं, और जोड़ों की सूजन भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और आप में एकदम ताजगी आ जाएगी और फुर्ती आ जाएगी। अब बात करते हैं हृदय रोग की। तो हृदय रोग में हमें आंवले का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उसका सेवन कैसे करना चाहिए? तो आंवला एक रसायन है और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, नसों को सॉफ्ट बनाता है, उसमें जो हार्डनेस आ जाती है ये उसको कम करता है, जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं ये उन्हें पुनर्जीवित करता है। तो हृदय रोगों के लिए बहुत ज़्यादा उम्दा इलाज है। तो इसमें हमें, जब हृदय रोग हो तो इसमें हमें सुबह प्रातःकाल सबसे पहले खाली पेट 2 आंवलों का मुरब्बा खाने से हृदय को बहुत ताकत मिलती है। और इसके अलावा अगर हृदय रोग के अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ की शिकायत भी हो, शुगर की प्रॉब्लम भी हो, तो ऐसी स्थिति में आंवले का मुरब्बा ना खा करके 2 आंवलों की चटनी बना लें, केवल उसमें और कुछ नहीं डालना, उसको पीस लें और एक एक चम्मच चटनी मुँह में रखते रहें और ऊपर से एक गिलास गाय का गर्म दूध ले लें और घूंट घूंट करके दूध को पीते रहें, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। तो अभी आपने देखा कि 5 रोगों में मैंने आंवले का सेवन अलग अलग तरीके से करने के लिए बताया है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, आपको 100% इसके फ़ायदे मिलेंगे, और आप इसको यूज़ करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना लाभ मिला है। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज मेरी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।